कोरोना संकट में बड़ी बेरोजगारी के संकट पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हमीरपुर में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों के साथ प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। तो वहीं मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार मुहैया करवाने का भी सरकार से मांग की है। वहीं राणा ने बद्दी में स्थित दवा कंपनियों के सैंपल फेल होने पर भी सरकार को जमकर घेरा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे देश में इस लॉकडाउन के इस दौर में और कोरोना महामारी के इस दौर में लगभग जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 12 करोड़ नौजवान जो है वो नौकरियों से बाहर हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां थी बंद हो गई। आज देश जो है वो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और आर्थिक संकट को लेकर जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि आर्थिक संकट की एक सुनामी आने वाली है और सरकार को ये समझ लेना चाहिए, परंतु सरकार इसको नहीं समझ रही है। आने वाला समय जो है उसमें लोगों के कितने लोग और भी बड़ी बड़ी तादाद में बेरोजगार होने वाले हैं। सरकार को चाहिए, दो काम करने चाहिए सरकार को, कि जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाए, और दूसरी बात हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो कम से कम 200 दिन जो है वो इसमें नरेगा में जो है वो लोगों को काम दे, जो लोग नरेगा में काम करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी है और लोग बेरोजगार हुए हैं, ये प्रदेश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा एक प्रदेश की सरकार के लिए व प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है ये सामने आने वाला है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए और सोच रखना चाहिए कि हम अपने जो बाहर से लोग आए, देखिए हिमाचल प्रदेश के लोग नौजवान जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार का जो है वो जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको, कोई हिमाचल सरकार से नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं, बाहर नौकरियां कर रहे थे। अगर बेरोजगार हो गए तो वो घर ही आएंगे, कहाँ जाएंगे, और उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि वो हिमाचल के हैं। स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों पर कांग्रेस पार्टी के सरकार को घेरने के अंतिम दिन हमीरपुर में पत्रकार वार्ता प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि आज आर्थिक संकट आने वाला है लेकिन सरकार इसे नहीं समझ रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकार 200 दिन रोजगार मनरेगा में काम दिलाए ताकि बेरोजगारों के लिए कुछ काम मिल सके। बद्दी में जो दवाइयों की इंडस्ट्रीज है और वहाँ से बहुत सारे सैंपल फेल हुए, देखो सरकार को लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अगर दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं, दवाइयां घटिया किस्म की बन रही हैं कहीं, तो सरकार को उन लोगों के विरुद्ध सख्ती से निपटना चाहिए, सख्ती से जो है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग लोगों के स्वास्थ्य से खेलते हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। राजेंद्र राणा ने बीजेपी की वर्चुअल रैली पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार वर्चुअल रैलियों पर करोड़ों रुपए फूंक रही है लेकिन यही पैसा कोरोना संकट पर खर्च किया जाता तो हालात सुधर जाते। उन्होंने कहा कि 6 सालों में बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई, जो कई सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। वर्चुअल रैलियों की बजाय लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। आज देश जो है वो संकट के दौर से गुजर रहा है, लोगों को अपनी जान की पड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की पड़ी हुई है। आज आप देखिए कि बिहार में वर्चुअल रैली हुई और जिसमें जो आंकड़े सामने आए 144 करोड़ रुपया तो उसको LED 72,000 LED लगाने पर खर्च कर दिया। 144 करोड़ रुपया जो खर्चा, अगर उस 144 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपया भी मजदूरों को घर पहुँचाने में, मजदूरों को खाना खिलाने में, मजदूरों की मदद करने में लगाते तो आज हिंदुस्तान के लोग भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते। और दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा ये हो रहा है, आम जनमानस का प्रश्न है ये कि क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए केंद्र में 6 साल हुए और 6 साल में ये पार्टी जो है दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई क्योंकि सबसे ईमानदार पार्टी है। अगर ऐसी ईमानदार पार्टी है तो भाई इतना भारी पैसा कहाँ से आ गया, ये कुबेर का खजाना कहाँ था इन्होंने छुपा के रखा हो जहाँ से निकल आया। इसलिए बहुत सारे आने वाले समय के लिए बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े हो रहे और वर्चुअल रैली की बजाय सरकार को लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए था। ये वर्चुअल रैली जो है ये मुझे लग रहा है कि ये सरकार जो कर रही है ये एक पैसा इतना भारी वेस्ट हो रहा है, इस पैसे को वेस्ट करने की बजाय लोगों की मदद में इस पैसे को लगाती तो मुझे लग रहा है कि लोग इसकी तारीफ करते। पत्रकार वार्ता के दौरान हमीरपुर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष सुरेश पटियाल, सोशल मीडिया सेल के चेयरमैन अभिषेक राणा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस राजेंद्र जार भी मौजूद रहे।